लाइन में मैं हूं आपके साथ हेमा कनौजिया। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे गाजियाबाद के एक महा इवेंट। जी हां, मौका था गाजियाबाद के महबूब मेट्रो मॉल में इमारा एंड wrogn के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट की ओपनिंग का, जिसमें बिग बॉस फेम मनु पंजाबी और नजर फेम एक्ट्रेस मोनालिसा ने शिरकत करी। इवेंट की ओपनिंग में मनु और मोनालिसा ने जहां ठुमके भी लगाए तो वहीं अपने चाहने वालों से बातें भी की। देखिए हमारी रिपोर्ट। पहले ली मैं आज wrogn के स्टोर ओपनिंग के लिए आया हूँ, एज वेल एज इमारा के लिए आया हूँ। इमारा के मैं जब भी नाम लेता हूँ मेरे दिमाग में जैकलिन चलने लगती है, और मैं शायद थोड़ा सा मेरे वीडियो में भी था। सो गाइस, बेसिकली मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो एनर्जी दिल्ली, मतलब हम बेल्ट ही अलग कहलाते हैं थोड़ा सा, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले। सो जो हम लोगों के अंदर एनर्जी होती है, उसके साथ में हम सब लोग आज इस इवेंट को आगे बढ़ाएंगे। और थैंक यू गाइस। जाना बनता है इसके चक्कर में तो मैं पूरे बिग बॉस में था। मेरा सीजन टू स्टार्ट होने वाला है, हम लोग 2 महीने बाद सीजन 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैं चाहूंगा अपनी अपनी स्ट्रेंथ और क्वालिटीज के साथ में सारे लड़के तैयार रहे, क्योंकि इस बार मैं लड़कों की टीम हैंडल करने वाला हूँ, सिर्फ लड़कों की। अभी भी बरकरार 100% बरकरार। और मैं मोना के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, शो में शायद हम लोग सिर्फ दोस्त थे, एंड नाउ आई लव हर एज अ पर्सन। ये बहुत अच्छे लोग हैं दोनों, स्पेशली मैं विक्रांत के लिए भी कहूँगा, इज अ ग्रेट सोल गाय। अंदर से कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, पता नहीं होता, बट हम लोगों का एक स्पेशल लव है एक दूसरे के लिए। द पीपल आर ग्रेट। तो सुपर हिट, सो अब आप एक रियलिटी शो में दिखे हैं जो कि एक गायन पे बेस है, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? फर्स्ट टाइम मैं डेली शूट कर रही हूँ, सब लोग आते हैं मंडे टू फ्राइडे, मैं पहली बार नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए, मैं चाह भी रही हूँ। गाजियाबाद में आपको कैसे लग रहा है आपके एंड ब्रेक में यू फैशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं पहली बार आई गाजियाबाद में, मुझे एक स्टूडियो wrogn एंड इमारा मतलब मेरे फेवरेट कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मैं पहनती भी हूँ, मेरे पास मिल गए इमारा के बहुत सारे। अच्छे से
अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज में क्या होने वाला है कुछ पता है मतलब कैसे कंटेंट्स आने वाले हैं इस बार पता नहीं बिग बॉस किसका घर तोड़ेगा देखा कि हमने मोनालिसा एंड मनु पंजाबी से बात की लेकिन हम अब मनु पंजाबी पे एक छोटा सा गाना गवाने वाले हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं रियली छोटी सी लाइन दर्शकों के लिए मुस्कुराने की वजह तुम हो एक अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी में सब कुछ हो शी इज द बेस्ट फ्रेंड थैंक्स यू गाइस बिग बॉस की बात भी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी मोनालिसा एंड मनु पंजाबी की देखने लायक है और जैसे कि आप जानते हैं मोनालिसा शो में धमाल मचा रही है नजर और आप लोग भी जरूर देखिए मनु पंजाबी भी अपकमिंग जो शो प्लान है उसमें आप उनको देख सकेंगे सो आज के हमारे जैसा कि आपने देखा कि मनु मोनालिसा ने आउटलेट में रिबन कटिंग सेरेमनी से एंट्री की जहां उन्होंने चाहने वालों के साथ सेल्फी ली फोटो पोज दिए और मीडिया से मुखातिब भी हुए इतना ही नहीं उन्होंने आउटलेट्स को गुड विशेस भी दी फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजिए इजाजत बाकी प्रोग्राम्स के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsflashonline.com पर नमस्कार